ईद मुबारक। बैक टू माई चैनल, इट्स मी मलाइका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर ऑल गुड। तो अभी जो फिलहाल है ना, आज ईद है और ईद मुबारक बाय द वे। और आज जो है ना, हमें होना है रेडी। ईद का पहला दिन है और हम सबको रेडी होना है। अभी फिलहाल की हालत को इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैंने शॉवर लेना है। तो मैं सोचा कि ना स्टार्ट से व्लॉग को बनाऊं। तो अभी मैं फिलहाल उठी हूँ, सुबह 5 बजे हम सो रहे थे क्योंकि बहुत काम था माशाल्लाह पार्लर में। तो अभी फिलहाल मैं शॉवर लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करता है। तो चलो शॉवर लेते हैं। बाय द वे, मेहंदी का सोच रहे हो ना कि हमने क्यों नहीं लगाई? बिकॉज आगे आने वाली है हमारी कजन की शादी, तो इसलिए हम आगे मेहंदी लगाएंगे। अगर अभी लगा लेते ना तो हाथ का बेड़ा गर्क हो जाना था, इसलिए हम बाद में लगाएंगे। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस, मैं शॉवर लेकर आ चुकी हूँ, अभी आई हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना वो लेंजेस लगाते हैं, उसके बाद जो है वो मेकअप शेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे, बाल भी ड्राई करके लेंस लगा के, तो मैं आपसे मिलती हूँ। अभी फिलहाल लेंस में लगाने से पहले आपको जरूर बताऊंगी लेंस कहाँ से लिया है मैंने। फिलहाल मैं हेयर को ड्राई करके आपसे मिलती हूँ। हेयर मेरे ड्राई हो चुके हैं, तो चलो जल्दी से जो है ना मेरा ड्रेस देखते हैं कि मैं आज क्या वेयर करने वाली हूँ। और आज का मेरा ड्रेस बहुत ही प्यारा होने वाला है, थोड़ा सा फैंसी है, बट आई लाइक माई ड्रेस टूडेज ड्रेस, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैंने बहुत ज्यादा मामा को नजदीक करके लिया था, क्योंकि मामा कहते बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब बट मैंने कहा मामा मुझे चाहिए बहुत ज्यादा प्यारा, तो इसलिए मैंने वो बाय किया। चलो मेरा ड्रेस देखते हैं, फिर उसके बाद हम लेंजेस लगाएंगे। तो अब आप यही देख रहे हैं ना कि इसमें क्या है। एक्चुअली क्रॉस कल्चर से ही जो है ना मैंने अपना ड्रेस बाय किया था, और वो कुछ इस कलर का है। तो चलो इसको देखते हैं अंदर से। ये ड्रेस ना मैंने क्रॉस कल्चर से 12,000 का बाय किया था, और ये 3 पीस है, यानी इसके साथ दुपट्टा भी है, और ये प्रॉपर जो है वो कमीज एंड कैप्री है, और इसकी जो शर्ट है ना वो लॉन्ग है, यानी आपको पाँव तक आएगी, और गेंजा कपड़ा था, और इसके ऊपर जो है ना वो तिल्ले का काम हुआ हुआ था, और कैप्री भी बहुत प्यारा था। देख लिया मेरा ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड आई होप सो आप लोगों को पसंद भी आया होगा बहुत ज्यादा। नाउ गाइस, मैं लेंस लगाने वाली हूँ, ये वाले जो कि मैंने बाय किए थे इस पेज से, इमो ट्रेंड नाम है, ठीक है। मैंने उनसे बाय किए थे ये वाले लेंसेज, और इतनी कमाल इनकी क्वालिटी है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ इनके लेंसेज, बहुत ही ज्यादा कमाल है। तो आप लोग इनको बाय कर सकते हो, इनके पेज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इसके अलावा इंस्टा अकाउंट का नाम जो है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना और बाय भी करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इनके लिए डील भी लगी थी, बट अब हो सकता है कि आपको इनके बाद भी डील मिल जाए, क्योंकि शादियां आ रही हैं, तो हो सके मैं डील लगाई हूँ। फिर जल्दी से मैंने ये लेंसेज वेयर किए, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर लग रहा था मुझे इसका, और ओपन करने पर भी ये बहुत ज्यादा प्यारा था। मैंने इनको वेयर किया, और वाकई वेयर करने के बाद भी लेंसेज इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे ना कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ यार, कितने कमाल है। उसके बाद मैंने मेकअप किया जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, और जब मैंने फाइनल लुक लेना था तब तो मैं बहुत ही लेट हो गई थी। भाई क्रीम वाला कराया था जिसे हमने ऑर्डर किया था, हमें जाना था, और यहाँ पर मेरा अभी शूट ही नहीं पूरा हुआ था। मेकअप मैंने कर लिया था, उसके बाद ही ड्रेस चेंज करने के बारे में, ड्रेस चेंज करने के साथ ही जो है ना अपने हेयर स्टाइल भी कर लिया था, कर्ल्स किए थे, एंड देन कॉम करके उनको थोड़ा सा मैसी लुक दे दिया था। और ड्रेस इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना वेयर करने के बाद, कि मैंने सोच लिया कि मैं इसको ओपन पर भी वेयर करने वाली। उसके बाद ये है जी बॉक्स, जो कि मैंने लोकल बाजार से परचेज किया था, बॉक्स नहीं बल्कि वॉच परचेज की थी, ठीक है। और ये वॉच बहुत ज्यादा प्यारी थी, गोल्डन मैंने मैच करके पहनी, एंड देन मैंने चूड़ियां वेयर की जो कि रेड कलर की थी, मैंने ड्रेस के साथ मंगवाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने रिंग वेयर की जो कि गोल्डन कलर की थी, क्योंकि मेरे ड्रेस में गोल्डन कलर्स रिंग्स एंड इयर रिंग्स मैंने गोल्डन ही वेयर किए थे, वॉच भी। फिर मैंने हील्स वेयर की जो कि गोल्डन ही थी, जो कि मेरे ड्रेस में मैच थी, एंड सी मेरे पाँव में कितनी प्यारी लग रही है ये हील्स। सो गाइस, हियर इज माय प्रॉपर लुक, और ये लुक जो है ना मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में से निकाला, क्योंकि लॉन्ग वीडियो का क्लिप मैं लेना ही भूल गई थी। मैं जस्ट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की, ड्रेस चेंज किया और हम निकल पड़े, और स्टोरी जो है वो क्या हुआ कैसे हुआ सारा कुछ मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो गाइज, अभी फिलहाल मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी थी, अभी आपने मेरे क्लिप्स देखे होंगे मेरे प्रॉपर लुक के, बट बाद में अभी आप देख रहे हो कि मैंने चेंज कर लिया, कलर सेम है बट चेंज कर लिया, क्योंकि हम जाने वाले थे मूवी देखने, बट मूवी का प्लान हो गया चौपट कैंसल, बिकॉज बहुत देर हो चुकी थी, हम चले गए नानों के घर, और मैंने सोचा था कि मैं सॉफ्ट सा लुक कर लूंगी ताकि मुझे चुभे ना, क्योंकि वो बहुत चुभने वाला था, तो मुझे ऐसे चुभते हैं ड्रेस, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा कि ना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, मैंने चेंज कर लिया, बट हमारा प्लान कैंसिल हो गया, और मैं इसी हालत में चले गई नानों के घर। और मैं अभी आपको ये वाला ड्रेस भी दिखाती हूँ, और ये ड्रेस भी मैंने weargoods.pk से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है। तो अब कल जाएंगे हम लोग मूवी देखने, उसका मैं पूरा जो है वो गेट रेडी विद मी विद व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सेकंड डे का। आज हमने यही सब कुछ किया था, और नाना के घर कुछ खास था नहीं जो दिखाती, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई।